विदेह राजा जनक मां मैथिली जनक नंदिनी महर्षि याज्ञवल्क न्यायिक उद्यानाचार्य महाकवि विद्यापति मंडन भारती अयाची वाचस्पति मैत्रेयी गार्गी माता अहिल्या दीना भद्री राजा सलहेश की पुण्य भूमि एवं माता उच्चैठ शक्तिपीठ बाबा कुशेश्वर स्थान प्राचीन मिथिला की सांस्कृतिक राजधानी द्वारभंग में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्राध्यक्ष माननीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के सुशासन पुरुष नीतीश कुमार जी का मिथिला के पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और चंदन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंच पर आसीन हो चुके हैं। उनके साथ मंचस्थ झंझारपुर दरभंगा एवं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय झा जी एवं सभी 10 विधानसभा के प्रत्याशी भी बगल वाले मंच पर उपस्थित हैं। अब हम सभा की कार्रवाई को विधिवत प्रारंभ करते हुए बिहार के सुशासन पुरुष विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं, आवे और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित, दरभंगा के माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, झंझारपुर के माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी, मधुबनी के माननीय सांसद श्री अशोक यादव जी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री और मंच के संचालक श्री सुशील कुमार चौधरी जी, यहां उपस्थित विधानसभा क्षेत्रों से एनडीए के सभी प्रत्याशीगण जो दरभंगा के हैं और यहां से जुड़े हुए हैं, मधुबनी के भी सभी हमारे एनडीए के प्रत्याशीगण और यहां उपस्थित एनडीए के चारों घटक दलों के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने समय दिया है और आप सब लोग जो आज सुबह से ही इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में मौजूद हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम सब लोग यहां पर आए जो देश को विकास के रास्ते पर ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने बिहार के विकास के लिए, जैसे देश के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए तो किया ही है लेकिन बिहार के लिए कुछ विशेष पहल की है, इसलिए हम सब लोग उन्हीं को सुनने आए। और हम तो सबसे पहले इस बात के लिए विशेष तौर पर आपके समक्ष हम जरूर बधाई देना चाहते हैं। ये जो कोरोना
का संक्रमण हुआ है पूरे दुनिया में, और उसके बाद उसके रोकथाम के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में करने की कोशिश की है, और जिस प्रकार से बिहार में भी काफी मदद मिला और हम लोग बहुत हद तक इसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए, और इसके लिए रिकवरी रेट बिहार में 95% से भी ऊपर है, और जो सब प्रकार का टेस्ट हो रहा है वो काफी अच्छी संख्या में किया जा रहा है। ये सब काम तो किया जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे राज्य के जो लोग दूसरे जगहों पर काम करते थे उनको लौटकर अपने राज्यों में जाने के लिए और खास करके बिहार के लिए विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया गया और बड़ी संख्या में लोग आए। और यही नहीं, जो सारे राशन कार्ड धारियों को जो पीडीएस के अतिरिक्त यानी अप्रैल से ही शुरू हो गया है और पूरे नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और हर परिवार में 1 किलो दाल या चना का जो आयोजन किया गया है, कितनी बड़ी बात है। और किस तरह से जो एलपीजी कनेक्शन है उसमें मुफ्त में उन गरीब लोगों को एलपीजी का गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं को, महिला लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति माह की दर से राशि दी गई। इस तरह से प्रत्येक काम, और हम लोगों से भी जो संभव है हम लोगों ने बिहार में करने की कोशिश की है, और इन सब चीजों की स्थिति में चुनाव हो रहा है, और चूंकि चुनाव हो रहा है ऐसी परिस्थिति में इसलिए समय कम है, और कम समय में भी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए इतना समय दिया है, मैं इनके लिए पुनः इन्हें धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी केंद्र के द्वारा जो प्रशंसनीय योजनाएं हैं, जितने हमारे काम करने जो किसान हैं उनको प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता देना, बिहार के विकास के लिए जो काम हो रहा, इलाज में तो 5 लाख रुपया एक परिवार के लिए देते ही है, लेकिन इसके अलावे जो बिहार के लिए खास तौर से विकास का काम, और जिस प्रकार से सिर्फ सड़कों के लिए और पुलों के लिए 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया है, प्रत्येक क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों में जो योजना चलाई गई है, और 8 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया, और यह हम लोगों की इच्छा थी, पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा, और यहां पर एम्स बना, ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और किस तरह से एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अब आप समझ लीजिए दरभंगा में जो सिविल एयरपोर्ट होगा, आप जान लीजिए कितनी बड़ी संख्या में। मुझको तो पूरा भरोसा है कि यह तो अंततो गत्वा दरभंगा का एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में परिणत होगा, इतने लोग हमारे यहां पर लाभान्वित होंगे। तो इन सब चीजों के लिए तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और जो भी काम करने का मौका मिला हम लोग बिहार के हित में काम कर रहे हैं। अगर आप लोग फिर मौका दीजिएगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा हम लोग बिहार को भी तरक्की के रास्ते पर ले जाते रहेंगे, और केंद्र का जो सहयोग और आप सब लोगों का एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ जो बिहार में काम करने की कोशिश की, महिलाओं को जिस तरह से हम लोगों ने जागृत किया, सबको मिलाकर के देश और आगे बढ़ेगा। अगर अगली बार आप मौका दे दिए तो निश्चित रूप से बिहार एक विकसित राज्य में परिणत होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और यही कहते हुए हम आप सब से यही निवेदन करेंगे कि एक एक वोट एनडीए के सभी उम्मीदवारों को आप जिताइएगा, विजयी बनाइएगा, यही आप सब लोगों से आग्रह है और निवेदन है, और हम सब लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब आपको पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं विकास के युग पुरुष, गरीबों के मसीहा और मिथिला के विकास और पहचान के लिए सतत प्रयत्नरत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि हम हजारों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को उद्बोधन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीता मैया, राजा जनक, कविराज विद्यापति के ई मिथिला भूमि के नमन करे छी। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई ई गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं, जेडीयू, भाजपा, हम पार्टी, वीआईपी पार्टी के अन्य सभी प्रतिनिधिगण और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिहार की पवित्र भूमि पर मैं राजा सलहेश, वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल, राह बाबा और गोरैया बाबा को भी नमन करता हूं। बाबा चौहरमल और तमाम संत जनों के आशीर्वाद से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आज देश के विकास का आधार है। साथियों, आज यहां दरभंगा के अलावा मधुबनी और समस्तीपुर सहित अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आप सभी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ साथ हजारों साथी अलग अलग इलाकों में डिजिटल माध्यम से भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी भाइयों बहनों को, आपके उत्साह को, आपके संकल्प को, बिहार के प्रति आपके समर्पण को मैं आज आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। जहां जहां मतदान हो रहा है, उन सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि कोरोना से बचने के लिए पूरी सावधानी बरतें, चुनाव के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच हमारे सहयोगी और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मेरे मित्र भाई मुकेश साहनी जी को कोरोना हो गया, बिहार के उपमुख्यमंत्री
भाई सुशील मोदी जी को भी कोरोना से लड़ना पड़ रहा है। मैं बिहार के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो इस गहमा गहमी के समय कोरोना से ग्रस्त है, तो मैं उन सब के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। बिहार के नागरिक भी इस कोरोना के संकट काल से अगर कोई बीमार है तो जल्द स्वस्थ हो जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, महाकवि विद्यापति ने इस क्षेत्र के लिए एक बार मां सीता जी से प्रार्थना की थी और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्मभूमि अच्छी मिथिला समारोह है मां, कनी आबी अपन नहर निहारू है मां। विद्यापति जी ने तब के मिथिला की स्थिति पर मां से आग्रह किया था। अब आज हम देखें तो बीते 15 वर्षों में बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है। आज मां सीता अपने नैहर को तो प्रेम से निहार ही रही होगी, अयोध्या पर भी आज यहां की नजर अवश्य होगी। सदियों की तपस्या के बाद अब आखिरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। वो सियासी लोग जो बार बार हमें तारीख पूछा करते थे, बहुत मजबूरी में अब वो भी तालियां बजा रहे हैं। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश में पहली बार ये हुआ है जब मैनिफेस्टो को उठाकर ये आकलन लगाया जा रहा है कि अब आगे कौन सा कदम सरकार उठाने वाली है। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है। हमने कहा था हम गरीब का बैंक खाता खोलेंगे। आज 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंक खाता खुल चुका है। हमने कहा था हर गरीब बहन बेटी की रसोई में मुफ्त गैस कनेक्शन पहुंचाएंगे। उज्ज्वला योजना ने बिहार की भी करीब 90,00,000 महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्त किया है। हमने कहा था हर गरीब को 5,00,000 रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देंगे। आज बिहार के भी हर गरीब को ये सुविधा मिल रही है। और भाइयों और बहनों, कोरोना के इस संकट काल में हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे।
130 करोड़ का देश दुनिया को अचरज हो रहा है। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। आज बिहार के भी गरीबों के लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई है। बाढ़ के दिनों में सरकार की इन योजनाओं ने गरीबों की बहुत मदद की है। साथियों, इस क्षेत्र में पानी से होने वाली बीमारियों की दिक्कत हमेशा से ही रही है। इस दिक्कत का एक बड़ा इलाज है हर घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। बीते समय में पूरी ताकत से बिहार में ये काम किया गया है। अगर मैं दरभंगा और मधुबनी की ही बात करूं तो इस क्षेत्र में 11 लाख से ज्यादा घरों को पाइप कनेक्शन से जोड़ा गया है। बहुत जल्द बिहार देश के उन राज्यों में होगा जहां पर घर में पीने का साफ पानी पाइप से ही पहुंचेगा। तब ये गंदे पानी से होने वाली बीमारी नहीं होगी। किसी मां को अपना लाल, अपनी लाडली को खोना नहीं पड़ेगा। हमने ये संकल्प लिया है और इसे भी पूरा करके दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, एनडीए का यही ट्रैक रिकॉर्ड आज बिहार के जन जन को आश्वस्त करने वाला है। एनडीए ने, भाजपा ने विकास का जो रोडमैप अपने मैनिफेस्टो में खींचा है उस पर तेजी से अमल होगा, ये तय है। आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प लिया है उस पर हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। दरभंगा में एम्स बनने से मिथिलांचल को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। दरभंगा एम्स के लिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। एम्स बनने से यहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिलेगी ही, मेडिकल की पढ़ाई की सीटें भी बढ़ेगी। इसी तरह सॉफ्टवेयर पार्क बनने से भी यहां के प्रभावशाली प्रतिभाशाली युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर मिल रहे हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाएं मिलने से पूरे मिथिलांचल की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। रामायण सर्किट का अहम हिस्सा होने के कारण मिथिलांचल में पर्यटन, तीर्थाटन की संभावनाओं का विस्तार होगा। आत्मनिर्भर बिहार में उद्योगों के लिए नए अवसर बनेंगे, युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बनेंगे। गरीबों के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका लाभ भी इस क्षेत्र के युवाओं को मिल रहा है। इसके साथ ही सरकार ने हमारे दलित, पिछड़े, अति पिछड़े भाई बहनों के लिए आरक्षण को जो अगले 10 साल के लिए
बढ़ा दिया है वो भी यहां के नौजवानों के लिए लाभकारी है। साथियों, बिहार की मिथिलांचल की कनेक्टिविटी को पीएम पैकेज से भी बहुत ताकत मिल रही है। पीएम पैकेज के तहत बिहार के गांवों में हजारों किलोमीटर की सड़कों पर काम हुआ है। 55,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक बिहार के रोड नेटवर्क पर खर्च किए जा रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी के आसपास में रोड कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का लाभ भी इस क्षेत्र को होगा। साथियों, पहले के समय जो लोग सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। उन्हें कमीशन शब्द से इतना प्रेम था कि कनेक्टिविटी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी महासेतु के साथ क्या क्या हुआ ये मेरे से ज्यादा आप सभी मेरे भाई बहन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। 2003 में जब हमारे मित्र नीतीश जी अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब इस क्षेत्र मांग को पूरा करते हुए अटल जी ने महासेतु का काम शुरू करवाया था। लेकिन उनके बाद जिस तरह इस पर काम हुआ उससे लगता था कि मिथिलांचल की जनता का यह सपना सपना ही रह जाएगा। केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद और यहां नीतीश जी की ताकत मिलने के कारण कोसी महासेतु का काम कई गुना तेजी से आगे बढ़ा और कुछ दिन पहले ही मुझे कोसी महासेतु के लोकार्पण का सौभाग्य मिला। इससे 300 किलोमीटर की दूरी 20-22 किलोमीटर तक सिमट गई है। अब 8 घंटे की यात्रा सिर्फ आधे घंटे में ही पूरे होने लगी है। साथियों, ऐसी सुविधाएं किसान, व्यापारी, उद्योग जगत, विद्यार्थियों को, हर किसी को लाभ देती है और युवाओं के लिए रोजगार के साधन पैदा करती है। बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को विकास के ऐसे ही कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मतदान करना है। साथियों, बिहार के विकास के व्यापक रोडमैप का अगला चरण है आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर मिथिलांचल। यहां मिथिला पेंटिंग, कृषि, डेयरी उद्योग, मछली के उत्पादन और कारोबार से जुड़ी अनेक संभावनाएं हैं। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुख पान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्य प्रतिग्नि ई मिथिला थी। ऐसे में पान, माछ, मखाना, इन सब में आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने की बहुत बड़ी संभावना इस क्षेत्र में है। समस्तीपुर तो
एक प्रकार से देश में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी रिसर्च का हब बन चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो सपने देखे थे वो अब पूरे होते दिख रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मत्स्य संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र के अनेक जिलों में मछली के उत्पादन से लेकर चारे तक के अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। जब करोड़ों का निवेश यहां होगा, युवा उद्यमियों को आर्थिक मदद मिलेगी, तो बड़ी मात्रा में नए रोजगार तैयार होंगे। साथियों, फसल हो, दूध हो, सब्जी हो, मछली हो, कोशिश ये है कि बिहार के अलग अलग जिलों में जो बेहतरीन उत्पाद पीढ़ियों से उपजते हैं या तैयार होते हैं, उनसे जुड़े उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए जरूरी सुविधाएं गांवों में तैयार की जा रही है। गांवों में भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। गांव में इन सुविधाओं के लिए निवेश बढ़े, इसके लिए जरूरी कानूनी सुधार किए गए हैं। छोटे किसानों को बिचौलियों से, उनकी चंगुल से बाहर निकालकर कृषि उत्पादक संघों FPOs से संगठित किया जा रहा है। ऐसे ही FPOs और दीदियों के समूह भंडारण की सुविधाओं से लेकर कृषि उद्योगों तक को चलाने वाले हैं। बिहार के युवा उद्यमियों, स्टार्टअप्स के लिए भी अनेक अवसर नए कृषि सुधारों से बनाए जा रहे हैं। साथियों, दरभंगा सहित मिथिलांचल के एक बड़े हिस्से में आप अगले चरण में मतदान करेंगे। राज्य के अन्य क्षेत्र के लोगों ने जो प्रण किया है, उसी प्रण का आपको भी ध्यान रखना है। ये प्रण बिहार के भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को फिर हराएंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। साथियों, जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशनखोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। बिहार के मेरे भाइयों और बहनों, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। ये वो लोग हैं जो किसान कर्ज माफी बात करके कर्ज माफी के पैसे में भी घोटाला कर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए।
भाइयों और बहनों, एक तरफ एनडीए है, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लेकर खड़ा है, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बिहार की विकास की परियोजना के पैसों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। याद रखिए, एनडीए एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी, इनके सभी प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट जो मिलने वाला है वो बिहार को तेज गति देगा, बिहार को नई ताकत देगा, बिहार के उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ेगा, बिहार आत्मनिर्भर बनाएगा। एनडीए को पड़ा आपका हर एक वोट बिहार को फिर से बीमार होने से बचाएगा। इन्हीं संकल्पों के साथ माता जानकी को प्रणाम करते हुए फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जिंदाबाद। दरभंगा के कोने कोने से आए हुए, सभी विधानसभा से आए हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ता,